तो आज ऐसी एक महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सब कुछ अपने हिसाब से करता है, मतलब क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, सब अपने हिसाब से करता है। जानते हो क्रिकेट में चौका और छक्का होता है, लेकिन इनके यहाँ अट्ठा होता है। 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो अट्ठा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं ये। फावड़ा बीज बो लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया का हर एक गेम ये खेले हुए हैं। नेशनल गेम हम खेले हैं, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है, और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। कुल मिला के मानो तो ये क्रिकेटर है, बास्केटबॉल वाले हैं, खिलाड़ी फुटबॉल वाले हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अंडररेटेड एक्टर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बाबा राम रहीम ने तो एक नई अलग वाइब का आविष्कार कर दिया जिसे दुनिया का कोई साइंटिस्ट बना ही नहीं सकता। इस वाइब को देख के साइंटिस्ट भी सोच रहे होंगे, वाह बाबा राम रहीम कैसा आविष्कार किया है, पहले आप क्यों नहीं आए, अभी तक आविष्कार क्यों नहीं किया ऐसी वाइब का। बाबा राम रहीम ने पहली बार कोई उड़ने वाली वाइब के दर्शन कराए हैं। गाइज आप लोगों ने तो देख लिया, उड़ने में तो माहिर ही हैं, लेकिन अगर इनको हल्का सा गुस्सा भी आ गया ना तो अपने गुस्से से पूरा पूरा पत्थर ही तोड़ देते हैं। भाई इन्होंने इतना बड़ा पत्थर तोड़ दिया और इनके सर में एक भी खरोंच नहीं आई। इनकी खोपड़ी हड्डी से ही बनी है या जापानी फौलाद से, मुझे तो यही नहीं पता चल पा रहा। लेकिन बाबा जी को जब ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना तो बाबा जी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, सामने चाहे जो हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे जो हो, वो उसको उठा के फेंक देते हैं। इनकी स्टाइल थोड़ा हटके है। यही नहीं, कहीं आप लोगों ने सच तो नहीं मान लिया, क्योंकि बाबा जी ने भारी खर्च करते हुए भारी VFX से भारी हाथी को उठा के पटक दिया है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और मम्मी रे, क्लाइमेक्स अभी बाकी। बॉलीवुड में क्रिस की सबसे लंबी लॉन्ग जंप थी, लेकिन इन्होंने तो क्रिस को भी पीछे छोड़ दिया है। बाबा राम रहीम के चर्चे ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध हैं, ऊंचे ऊंचे ऐसे कारनामे करते हैं। 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, सीधा उड़ जाता है। इन्होंने तो सनी पाजी को भी पीछे छोड़ दिया अपने मुक्के से। बाबा जी ने तो अपने 1.25 किलो के मुक्के से पूरा पेड़ ही फाड़ डाला। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अच्छा, कमाल की बात है, इतनी पावर तो मोटू समोसे खाने के बाद भी नहीं ला पाता है जितनी पावर इन बाबा जी के पास है। मतलब कतई कितने खतरनाक खतरनाक VFX का प्रयोग करते हैं, आप लोग सच मत मान जाइएगा। चलो बेटा, ओ तेरा भाई किससे कम है, ये कौन सा लॉजिक है बे? मैंने कहा था ना, बाबा जी का हाथ जब पड़ता है तो गाड़ियाँ उठती नहीं, सीधा उड़ ही जाती हैं। मतलब इतना तगड़ा हाथ मारा कि पूरी गाड़ियाँ एकदम साफ हो गई। ये लॉजिक तो मुझे भी नहीं समझ में आया, कितना बड़ा हथियार और चश्मा बन जा रहा है। मतलब यार ये कौन सा लॉजिक है, बाबा जी कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो आज तक पूरे विदेश में नहीं मिल पाया है। ये अद्भुत शक्तियाँ सिर्फ बाबा जी के पास रह सकती हैं, हम लोग तो चूतियाँ हैं। पता नहीं, शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। अब बाबा जी दांत मत गिनी है यार, आप सब कुछ कर सकते हैं ये तो मैं जान गया हूँ। आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपकी शक्तियों को देख के शेर भी शर्मा जाएगा।